राजधानी भोपाल में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कांग्रेस के प्रवक्ता साथियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर यौन शोषण की घटनाओं को लेकर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अवनीश बुंदेला ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सुरक्षा देने के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह असफल है। ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सागर पब्लिक स्कूल में जो भी दुष्कर्म के मामले हुए उसको लेके आप यहाँ पे आवेदन देने आए? देखिए, सबसे बड़ी बात, निरंतर बच्चों के साथ दुष्कर्म बढ़ रहे हैं और एक ट्रेंड बन गया है कि स्कूल के ऊपर बोलते हम कार्रवाई करेंगे, संबंधित एकाध कोई टीचर होता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन ना तो ढंग से कोई कार्रवाई होती है। ठीक है, एकाध स्कूल की आपने मान्यता रद्द कर दी 10 दिन के लिए, उसके बाद बहाल हो जाती। हमारी मांग है कि अधिनियम 2012 में धारा 19/21 में प्रावधान है कि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, वो से आरोपी बनाए जाएं। जिस तरह से रेडक्लिफ स्कूल में और सागर पब्लिक स्कूल में दुराचार हुए हैं, रेडक्लिफ में एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और सागर पब्लिक में एक बालक के साथ दुराचार हुआ, तो हमारी मांग है कि इन स्कूलों के जो मालिक हैं, जो मोटी मोटी फीसें लेते हैं उनके अभिभावकों से, बच्चों के माँ बाप से, उन पर कार्रवाई की जाए। वो कभी भी हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी सामने क्यों नहीं आते, उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा विशेष लोग और बड़े लोग, ताकतवर लोग रहते हैं और बेचारे पेरेंट्सों की स्थिति इतनी खराब है कि वो उनसे मिल तक नहीं पाते। पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल तक ही सीमित रहते हैं, प्रिंसिपल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरी मांग ये है कि इस विषय में सरकार संज्ञान ले और सिर्फ ये 2 स्कूल नहीं, आने वाले समय में और भी जिस तरह के और हुए हैं आज तक के, उनके स्कूलों के मालिकों पर, प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए, उनको आरोपी बनाया जाए। और इस विषय में मैं कोर्ट की भी शरण में जाऊंगा, मैं इसमें PIL भी दायर करूंगा, क्योंकि इस विषय को हम ऊपर तक ले जाएंगे, इस विषय हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय के लिए हम इसको लेकर कोर्ट तक जाएंगे। जैसे रेड क्लिफ की मान्यता रद्द जो होती है, ये हम जानते हैं कि रेड क्लिफ हो, इसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मान्यता रद्द होना एक उसका समाधान नहीं है। सबसे बड़ी चीज, इस तरह की चीज आपके यहाँ घटित हुई है और स्कूल प्रबंधन कहाँ है? आपने कहा टीचर को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी ये ढर्रा चलता रहता है। कम से कम जब इसके जो ट्रस्टी हैं, इसके जो मालिक हैं, अगर उन पर कार्रवाइयाँ होने लगेंगी तो वो ज़्यादा सीरियस रहेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये हमारी मांग है।